और पोलैंड ने यूक्रेन को 11,000 बोल्ट का झटका दे दिया है। कैसे, अब इस पर ध्यान दीजिए। दरअसल पोलैंड यूक्रेन का सबसे करीबी पड़ोसी है। युद्ध की शुरुआत से ही वो यूक्रेन की हर तरीके से मदद भी करता आया है, लेकिन अब उसी पोलैंड ने यूक्रेन से मुंह मोड़ लिया, यूक्रेन को हथियार सप्लाई ना करने का फैसला लिया। पोलैंड के प्रधानमंत्री का कहना है कि वो यूक्रेन को हथियार देने की जगह अपने देश में ज्यादा मॉडर्न और एडवांस हथियार जुटाने पर काम करेंगे। पोलैंड ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को हथियार नहीं देने का ऐलान किया है। अब पोलैंड से एक भी हथियार यूक्रेन को नहीं मिलेगा। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन का सप्लाई चेन पूरी तरह से कट गया है। पोलैंड का अपना दरवाजा बंद करना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा था। पोलैंड से यूक्रेन को हथियार मिल रहे थे। विदेश से मिलने वाले हथियार पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन पहुंच रहे थे, लेकिन अब पोलैंड का कहना है कि वो यूक्रेन को हथियार देने के बदले खुद को और मजबूत बनाएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देने की जगह अपने देश में ज्यादा मॉडर्न और एडवांस हथियार जुटाने पर फोकस करेंगे। Nie przekazujemy żadnego uzbrojenia na Ukrainę z tego względu, że my teraz sami się broimy w najnowocześniejszą broń. Jeśli nie chcesz się bronić, to musisz się mieć czym bronić. Taką zasadę wyznajemy i dlatego dokonaliśmy zwiększonych zamówień. Dzisiaj byłem w zakładach. सवाल है यूक्रेन के सबसे करीबी साथी ने क्यों मुंह मोड़ लिया है। यूक्रेन को सबसे पहले फाइटर जेट देने का ऐलान करने वाला पोलैंड अब यूक्रेन को हथियार देने से क्यों मना कर रहा है। दोस्त के दुश्मन बनने की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पोलैंड क्यों अपने लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जुटाने में लगा है, इसे जान लेना जरूरी है। रूस से लेकर बेलारूस से बड़े खतरे से पार पाने के लिए पोलैंड अलग अलग देशों से हथियार जुटा रहा है। अमेरिका से 250 एब्रम टैंक्स का करार उसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। पोलैंड ने अमेरिका से मिलने वाले एब्रम टैंक्स को रूस से लगी सीमा पर लगाने का फैसला किया है। पोलैंड रूस की मुख्य भूमि से काफी दूर है, इसके बावजूद पोलैंड की सीमा से सटे कलिनिनग्राद पर रूस का नियंत्रण है। कलिनिनग्राद से पोलैंड 232 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अब एब्रम टैंक्स को कलिनिनग्राद से लगे बॉर्डर पर तैनात करने वाला है। पोलैंड की 418 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के सहयोगी बेलारूस से भी लगती है। पोलैंड को आशंका है कि युद्ध की स्थिति में रूस बेलारूस के रास्ते भी पोलैंड पर हमला कर सकता है। ऐसे में एब्रम टैंकों को बेलारूस बॉर्डर पर भी तैनात कर सकता है। पोलैंड को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड पर अटैक कर सकते हैं, या फिर बेलारूस पोलैंड पर हमला बोल सकता है। किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से F-50 लड़ाकू विमानों को खरीदा है। सिर्फ F-50 ही नहीं, दक्षिण कोरिया से पोलैंड ने और भी जंग के साजो सामान खरीदा है, जिसकी डिलीवरी के बाद खुद दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हॉन डक सू ने पोलैंड का दौरा किया था। 이제 명실공히 폴란드는 한국의 핵심 우방국이자 중동부 유럽 진출의 거점 국가입니다. Polska i Korea po dwóch stronach świata, ale po dwóch stronach Rosji również jednak dzielimy jedną stronę obrony cywilizacji i pokoju. I to bardzo nas łączy. To powoduje, że mamy coraz więcej wspólnych projektów gospodarczych i obronnych. यही वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए पोलैंड बेलारूस से लगी सीमा को और सुरक्षित करना शुरू कर दिया है, सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रहा है। ये पोलैंड की सेना का सबसे ताजा मूवमेंट, बटालियन की बटालियन जा रही है, टैंक जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जा रही है। ये पोलैंड की सेना का बेलारूस बॉर्डर की ओर बढ़ने का वीडियो है।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस की ओर बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर सेना की तैनाती तो बढ़ा दी है। दावा तो यहां तक है कि अगर युद्ध की नौबत आ गई तो नेटो के 1,00,000 सैनिक पोलैंड में लैंड कर जाएंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि 1,00,000 नेटो सैनिकों की इस मूवमेंट के प्लान पर नेटो ने अपनी मोहर भी लगा दी है। 1,00,000 नेटो सैनिकों का पोलैंड आना युद्ध के लिहाज से बहुत बड़ा संकेत है, बहुत विस्फोटक प्लान है, क्योंकि इस प्लान के तहत नेटो की 1,00,000 सेना पोलैंड में दाखिल हो जाएगी। नेटो के फाइटर जेट पोलैंड आएंगे, नेटो के घातक टैंक पोलैंड पहुंचेंगे, नेटो की बख्तरबंद गाड़ियां पोलैंड आएंगी, नेटो की स्पेशल फोर्स पोलैंड में होगी। पोलैंड की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त बेलारूस बना हुआ है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं। रूस के परमाणु बम भी अब बेलारूस में लग गए हैं। पोलैंड को डर है कि यूक्रेन की मदद से हार खाए होते हैं आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं। पोलैंड में अभी करीब 10,000 नेटो सैनिक तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश अमेरिका की फोर्स है। इसके अलावा युद्ध होने पर 1,00,000 और नेटो सैनिक पोलैंड आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ नेटो शिखर सम्मेलन में पोलैंड में हथियारों के गोदाम बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही ऐसा देश था जो यूक्रेन का बड़ा मददगार था। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी बना हुआ था। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता भी पोलैंड से ही होकर जाता था। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे थे। वो हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से, यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता था, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड आता था, फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन पहुंचता है। लेकिन पोलैंड के ताजे फैसले के बाद अब ये कड़ी टूट गई है। बेलारूस में रूस के लगे परमाणु बमों से घबराए पोलैंड ने अमेरिका से न्यूक्लियर बम की मांग की है। पोलैंड का कहना है कि उसे अपनी रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर अमेरिका से परमाणु हथियार चाहिए, और उसकी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस मोरावियेकी ने साफ साफ शब्दों में पोलैंड में परमाणु हथियारों के लगाने की बात कही है। W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing. Oczywiście przede wszystkim jest to decyzja Amerykanów, ale my nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby. Ostateczna decyzja będzie zależała oczywiście od naszych partnerów amerykańskich, partnerów natowskich. My deklarujemy naszą wolę szybkiego działania w tym zakresie. Poland ke pradhanmantri Mateusz Morawiecki ka kehna hai ki Poland NATO ke parmanu hathiyar sajhakaran karyakram mein shamil hona chahta hai. Poland ke rashtrapati Andrzej Duda ne pehle hi bayan de diya hai ki unke desh ko apni zameen par America ke parmanu bomb ko tainat karne mein koi dikkat nahi hai. वो अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा बयान दे चुके हैं कि हमने अमेरिका के नेताओं के साथ इस बारे में बात की है कि क्या अमेरिका इस तरह की संभावना पर विचार कर रहा है। मुद्दा खुला है। अब पोलैंड के खुद के डर से बाहर निकल कर यूक्रेन चलते हैं, जिसकी परेशानी पोलैंड के फैसले के बाद और बढ़ गई है। पोलैंड ने ही सबसे पहले यूक्रेन को फाइटर जेट देने की घोषणा की थी। यही वो देश है जिसने जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड 2 बैटल टैंक देने की अपील की थी। इसके अलावा जंग के बाद से पोलैंड अब तक यूक्रेन के करीब 15,00,000 लोगों को पनाह दे चुका है। यूक्रेन जाने वाले अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स भी अक्सर पोलैंड होकर ही अपनी यात्रा करते रहे हैं, लेकिन अब पोलैंड और यूक्रेन के बीच खाई खुद गई है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पहले इशारों ही इशारों में पोलैंड पर कमेंट किया। यूएन में जेलेंस्की ने बिना नाम लिए पोलैंड पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि कुछ देश दुनिया के सामने यूक्रेन का साथ देने का दिखावा करते हैं।